ओके, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन से 0.6 पे बार, देखिए जब भी सिंगल डिजिट पे बार हो इसका मतलब क्या होता है कि 0.66666 मतलब 6 रिपीट हो रहा है। ओके ठीक है, अगर मान लीजिए कि 0.67 पे बार लगा होता तो इसका मतलब है कि 0.676767 रिपीट हो रहा है। अगर क्वेश्चंस में दे दे कि 0. जैसे इसका थर्ड पार्ट है 0.001, ओके तो यानी इसका मतलब क्या है कि 0.01001001 रिपीट हो रहा है। ठीक है, जितने पे बार था जितने डिजिट पे बार होता है वो सारी डिजिट रिपीट होते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है, आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एक्स इक्वल टू 0.666 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सिंस वन डिजिट इज रिपीटिंग, क्या लिखेंगे सिंस वन डिजिट इज रिपीटिंग। ओके, अगर टू डिजिट रिपीट करता तो आप क्या लिखते हैं सिंस टू डिजिट इज रिपीटिंग। ओके तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, बोथ साइड बाई 10। ठीक है, देखिए हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, 666 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x, और अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों एक डिजिट जंप हो जाता है, जब हम 10 से करते हैं तो क्या होगा, अब इसका जो आ जाएगा ना 6.666। ओके ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग सब ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, मतलब इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पे, तो अब लिखिए इक्वेशन सेकेंड क्या है 10x इक्वल टू 6.666, इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास x इक्वल टू 0.666, राइट। अब इसे आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 9x इक्वल टू 0.00, देखिए ये हमारे पास आ रहा है 9x इक्वल टू 6, राइट। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, नाइन एक्स इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, 3 की टेबल में दोनों आता है ना, तो आप लिख दीजिए 3 2 6, 3 3 9, तो x का हमारा x इक्वल टू क्या आ चुका है 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। वेरी सिंपल ना, कितना आसान है। इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करके देखते हैं, सेकेंड पार्ट है, देखिए सेकेंड पार्ट है आपका 0.47। अब देखिए इसमें दो डिजिट रिपीट कर रहा है आपका, ओके तो इसमें हम मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 100, क्योंकि दो साइड हमारे क्या है दो डिजिट हमारा रिपीट कर रहा है, तो सबसे पहला हम क्या लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0.47 47 47, ओके ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, दो डिजिट रिपीट हो रहा है ना, सॉरी एक मिनट, इस पे जो क्वेश्चन है इसमें ओनली 7 पे ही लगा हुआ है, 4 पे नहीं लगा हुआ है, तो ये ओनली 7 का डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है तो हम लिख देंगे 4 7 4 7 7 7, मतलब 7 7 सिर्फ रिपीट कर रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर आप क्या लिख देंगे सिंस वन डिजिट इज रिपीटिंग, ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, 10 से हमने क्यों किया, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो एक डिजिट जंप करके यानी
यहाँ पे आप लिख देंगे 4.777, ओके, क्योंकि ये डिजिट इधर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.777। अब क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन, ठीक है, सेकेंड से वन को सब्ट्रैक्ट करने पे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10x 4.777, ओके, और फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, x = 0.477, ठीक है, इसे माइनस कर दीजिए, 9x = तो क्या आ चुका है आपके पास, 9x = 4.3, ओके। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.3/9, ये पॉइंट आ जाएगा तो नीचे 90, ठीक है। अब इस यही हमारा, अब ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 43 प्राइम नंबर है, अगर ऊपर का नहीं कटेगा तो नीचे का भी आप नहीं कट कर सकते, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ चुका है x का 43/90, ओके। इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट है 0.001, थर्ड पार्ट है 0.001, देखिए इसमें तीन डिजिट रिपीट कर रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट x इक्वल टू, ओके, क्योंकि 001 रिपीट कर रहा है। अब इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 3 कर रहा है ना, तो आप क्या लिख देंगे, सिंस 3 digit is repeating, ओके, तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड, by 1000, क्योंकि तीन बार रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है, तो क्या हो जाएगा, 1000x = 1, 2, 3, यानी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर 10 था तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आता था, यहाँ पे आता था 100 में यहाँ और 1000 में यहाँ, यानी हम क्या लिख देंगे, 1.001001, ओके। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। अब आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 1000x = 1.001001, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास, x = 0.001001, ओके। अब देखिए इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99x = 0.001, यानी 99x = 1 आ चुका है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे x = कितना हो जाएगा, 1/999, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो क्वेश्चन थर्ड भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन फोर देखते हैं।